मऊ के विकास पुरुष कहे जाने वाले कल्पनाथ राय जी की बहू हमारे साथ हैं। मैम, आज भी लोग कल्पनाथ राय जी को याद करते हैं और जब विकास की बात आती है तो उनका जिक्र होना स्वाभाविक सी बात है। क्या लगता है कि उनके सपने का मऊ डेवलप हो रहा है? देखिए, ये बात सही कह रहे हैं कि हम भी 20-22 सालों से 22 साल हो गया हमको मऊ में शादी करके आए 2009 में। तो जहाँ भी जाते सब लोग उनके कल्पनाथ राय नहीं होते तो बिजली नहीं आती, हम सड़क नहीं होती, तो बहुत लोग याद करते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि जब वो थे तो हम लोग नहीं जाने कि जब वो नहीं रहेंगे तो वो चीज़ें हम लोग को नहीं मिलने वाली। बहुत दुर्भाग्य रहा कि बहुत असमय ही चले गए वो हम लोगों को छोड़कर। लेकिन समय के साथ अब देखिए, सरकार आई, मोदी जी आए, योगी जी आए, तो काम हो रहा है, हर घर तक काम पहुँच रहा है, हर उनकी ज़रूरतें भी सब पूरी हो रही हैं और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि पूरी उम्मीद है कि हम लोग मिलके मऊ के विकास को, जो कल्पनाथ राय जी का सपना था, जो उनकी चिंता थी, उसको हम लोग दूर भी करेंगे और उनके सपने को पूरा भी करेंगे। मैम, आप मऊ से मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं और आप हालांकि बहुत अच्छे से मऊ को समझ रही हैं, भले आप अब यहाँ की बहू हैं और 20-22 सालों से समझ रही हैं, यहाँ पे मुद्दा सिर्फ मुख्तार ही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बार बार उन्हीं की बात होती है कि हम बुलडोजर चलवा रहे हैं, लेकिन क्या जो सरकार के कामकाज हैं वो भी मुद्दा यहाँ पे बन पा रहे हैं? देखिए, क्या है कि जब हम पहली बार चुनाव लड़े 2002 में, तो सारे विधानसभा 4-3 हैं, एक तो सुरक्षित, तो ये चुन के लड़े मुख्तार अंसारी से कि नहीं, ये कल्पनाथ राय जी का मऊ है, ये विकास का मऊ है और इसकी पहचान किसी माफिया से नहीं होनी चाहिए। वरना मेरे गोद में 1 साल का बेटा था मेरा, 1 साल हमको आए हुए हुआ था, एक बहू हर गली हर घर गई सिर्फ इसलिए कि उसको अपने मऊ के पहचान को, कल्पनाथ राय जी के पहचान को के रूप में ही मऊ जाना जाए इसलिए। और इसीलिए हम लड़े भी कि नहीं, शेर की बहू हैं, लड़ेंगे हम और हराएंगे हम पक्का ही, और लड़े भी और सबका साथ आशीर्वाद भी मिला और उसके नहीं जीत पाए, लेकिन कोशिश हमेशा रहेगी कि इसकी मऊ की हमारी जो पहचान है वो सिर्फ़ और सिर्फ कल्पनाथ राय जी के विकास वाले मऊ की रहे, इसके लिए हम अंतिम सांस तक लगे रहेंगे। अंतिम सांस तक लगी रहेंगी। किस तरीके से प्रचार प्रसार यहाँ पर चल रहा है? क्योंकि जब भी हम लोग बार बार उसी जिक्र का करेंगे कि आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये मऊ जो है वो कल्पनाथ राय का रहे, लेकिन आपकी ही पार्टी, आपकी ही सरकार जो इस समय सत्ता में है, वो बार बार मुख्तार अंसारी के ही दम नाम को लेकर के वो राजनीति में उतर रही है, कितना इसका असर पड़ रहा है? जनता क्या कह रही है कि वो उनके खिलाफ जो बातें हो रही हैं उसका असर होता है या आप लोग अपना काम लेकर के जा रहे हैं? नहीं, काम तो है, इसमें कोई संदेह नहीं कि 5 सालों में सरकार हर घर तक, हर घर में चूल्हा पहुँचाना, शौचालय आवास भी बना, बिजली की भी, सड़क की भी और राशन भी, और कोरोना के टाइम में अनगिनत अनंत योजनाएं हैं, आप सोचिए, सच में बहुत काम हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम बताएं ना कि पहला काम तो हम लोग मऊ तो बहुत परेशान है, 22-25 साल हो जाएगा ना, अगर इस बार ही वो 25 साल से तो है ही 5 बार, अब ये छक्का लगाने का है, अब ये छक्का ना लगे, वो कैच आउट हो जाए, यही हम लोग चाहेंगे इस बार की मऊ के लिए कि कम से कम जनता भी जान रही है, उन लोगों को भी लग रहा है कि नहीं, ये आप भी अगर गए होंगे, अगर हमसे पहले भी लोगों से बात हुई होगी और हम भी जाते हैं तो सब लोग ये कहते हैं कि नहीं, इसको हम लोग कल्पनाथ राय जी वाला ही मऊ चाहते हैं। अफसोस है, लेकिन अभी तक हम चाहते तो हैं हम भी कि कुछ हो जाए, कुछ करें कोशिश, हम बोले आपको कि अंतिम सांस तक, जब तक मेरी सांस है, अपने मऊ की, अपने कल्पनाथ राय ससुर जी की मऊ की चिंता करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय। हम लोग मऊ का एक छोटा सा गाँव था और नाम नहीं मुझे उसका ढंग से याद आ रहा है, तो नदी का किनारा था, हम लोग वहाँ पे खड़े थे, तो हमने कहा कि भैया ये जो आप लोग नदी से जो नाव से पार कर रहे हैं, क्या पुल हो सकता था? कहे कल्पनाथ राय तो होते तो हो जाता, क्योंकि यहाँ पे मऊ पे जितना भी विकास हुआ, कल्पनाथ राय को लोग याद करते हैं, परिवार को लोग याद करते हैं, परिवार के लोगों को वही मान सम्मान मिलता है कि जाते हैं कल्पनाथ राय, लेकिन क्या जीत कहाँ रह जाती है? विकास की बात तो लोग कल्पनाथ राय के नाम से लेते हैं, लेकिन जब उनका परिवार जाता है तो क्या नहीं, उनके एक बार देखिए, चुनाव तो बहुत पहले, उस समय पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, स्थिति अच्छी नहीं थी 2002 में तो नहीं, और 2007 में भी नहीं, मायावती जी आए तो इस वजह से थोड़ा नहीं, तो सम्मान और देखिए उम्मीद काफ़ी,
उम्मीद है लोगों को, इसमें हम नहीं कहेंगे, हम इस बार भी बहुत तैयारी कर रहे थे, बहुत लोगों के पास गए थे, तो लोगों को उम्मीद है, लोगों को है कि अगर आप हैं पार्टी में हैं और अगर मौका, तो हम ये कहते हैं अगर पार्टी मौका देगी तो एकदम अपने मऊ की पहचान को हम वापस लाएंगे। वैसे भी देखिए लगे ही हैं हम लोग, सब लोग की मऊ कल्पनाथ राय जी का ही रहे, उन्हीं का। तो कांग्रेस, चूंकि वो कांग्रेस की राजनीति करते रहे और उसी से निकले, आप लोग क्यों बीजेपी को चुना आप लोगों ने? नहीं, एक्चुअल हुआ क्या कि 98 में कल्पनाथ राय जी के जब सांसद बने, 96 में तो निर्दलीय रहे, 98 में वो जनता दल यू और ये बीजेपी का लाइन से लड़े और 99 में उनकी डेथ हो गई। तो सांसद थे जिस पार्टी से, तो उसी के साथ मेरा साथ रहा। 23 साल हो गया ना, कितने साल हो गए, 99 से लेके और आज तक हम पार्टी से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, और तब से जुड़े हैं और ये लगता है कि नहीं ठीक है, चलो आज नहीं तो कल हम भी मऊ के लिए ज़रूर कुछ कर पाएंगे। और वैसे तो उपलब्ध हैं, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, हम 24 घंटे अपने मऊ के लिए कसक है ससुराल पक्ष के लिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम आए और मेरे ससुर जी को बहुत उम्मीद थी कि हम छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, मुगलसराय डिग्री कॉलेज में हैं, तो लड़कियाँ कहाँ होती थी उस वक्त, और आज से बहुत साल हो गया, आप समझिए कि 93-94 में कितने साल हो गए, 28-29 साल। उस समय हम छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उनको बहुत उम्मीद थी कि चलो बहू बना के लिए चल रहा कुछ करेगी। हाँ, उनके मऊ के लिए भी तो कुछ कर नहीं पाए, इसका अफसोस तो बहुत है अभी, लेकिन वो वक्त भी आएगा, उनके आशीर्वाद से करेंगे जरूर। अंतिम सवाल मैम, जिस तरीके की राजनीति होती है, चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाता है विकास, और इस बात को शायद आप स्वीकार भी करती होंगी, क्या जनता से कहना चाहेंगी कि क्यों नहीं विकास बन पाता है और उनसे क्या अपील करना? देखिए, हमारे मऊ की जनता बहुत गर्व है हमको उन पर, क्या से 20 साल पहले 22 साल पहले, 23 हो गया ना 99 में, 23 साल पहले और 4 बार लोकसभा सदस्य रहे हमारे ससुर कल्पनाथ राय जी, और विकास के नाम पे ही जीते, हमेशा वो विकास के नाम पे मऊ की जनता वोट करी। हमको इस बात का गर्व है कि हम ऐसे जिले की बहू हैं, ऐसे परिवार की बहू हैं कि जो विकास के नाम पे ही जीते हैं, और मऊ की जनता तो पहले से ही दिखा दी है कि हम विकास के नाम पे ही वोट करते हैं और आज भी करेंगे विकास के नाम पे। हाँ, कुछ अपील करना चाहेंगी जनता से? हाँ बिल्कुल, कि जो कल्पनाथ राय जी का सपना था वो भी बुलडोजर चलाया करते थे। एक अगर आपको समय होगा तो वो हम भेजेंगे, क्योंकि माफिया तो आप जानते हैं, उनके रहते में तो ये मुख्तार जी का पता नहीं होता कि हम कहाँ चले गए, है ना, कहीं पता नहीं, गाजीपुर से आए और गाजीपुर चले गए होते कब का, तो उन वो भी माफियाओं को नहीं। तो अभी आज योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, और एक क्लिप आपको हम भेजेंगे उनके भाषण की, वो बोलते थे कि हमारे यहाँ माफिया रह नहीं सकता, आप देखेंगे तो वो हम बुलडोजर तो हम सुने, हम कहे तो मैं अपने बेटे को बोले कि अनंत हम ही लोग के बाबा के पास बुलडोजर नहीं है, अपने मेरा बेटा अनंत, तो हम बोले तुम्हारे बाबा के पास भी बुलडोजर था, और कहते थे कि हम माफियाओं पे उसको देखिए, हमारे ज़िले में कोई माफिया नहीं रह सकता, उनके घरों पे हम बुलडोजर चला देते हैं। इसके पहले हम भी नहीं सुने थे, इसी एक महीना हुआ जब हम, शायद वो योगी जी पड़ोसी हैं, हमको लग रहा है कॉन्सेप्ट यही से लेकर के गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा, अपने बेटे को हम यही बोले, हमने अनंत हमारे बाबा के पास बुलडोजर है तो तुम्हारे बाबा के पास भी बुलडोजर है, और वो भी चलाए माफियाओं पे और ये भी चला रहे हैं, और मऊ एक दिन खुशहाल होगा जरूर, बुलडोजर जीत दिला पाएगा इस बार बुलडोजर। देखिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ बुलडोजर तो चलाना ही पड़ता है और चलेगा भी, लेकिन विकास हमारी सरकार की है, पार्टी की है, और पूरा भरोसा है हम लोगों को कि जनता, मऊ की जनता, देखिए हम आपको बताएं, आप जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, क्यों कल्पना कर जीत गए, काम के दम पे, और आज काम भी बहुत हुआ है और सरकार जीतेगी भी, वापस आएंगे योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं कल्पनाथ राय की बहू हैं, आई हैं छात्र राजनीति से निकली हुई हैं, और उनका सपना है कि जो ससुर की विरासत थी उसको लेकर के आगे बढ़ा जाए, और कल्पनाथ राय के जिस मऊ को उन्होंने देखा था उसको लेकर के जब आज का मऊ देखती हैं तो कसक रहती है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि एक दिन जब मौका मिलेगा तो अपने ससुर के उस सपने को पूरा करेंगी जिसे पूरा जिला, पूरा पूर्वांचल याद करता है। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर मऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।